दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक और प्रांतीय सम्मेलन रविवार को अग्रसेन नगर में स्थित अग्रसेन भवन पर संपन्न हुआ। समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने का मुद्दा फोकस में रहा इस सम्मेलन के अंदर। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शणकर थे। उनके अलावा जो मुख्य वक्ता थे वो के गुप्ता, डूंगरपुर के पूर्व नगर परिषद के सभापति और प्रदेश अध्यक्ष। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने कहा कि समाज के भामाशाहों को युवाओं के लिए आगे आना चाहिए, समाज के भामाशाहों को युवाओं के लिए आगे आना चाहिए। अब छात्रावास बनाने का वक्त है, ना कि धर्मशाला बनाने का, ताकि समाज की अगली पीढ़ी भर्ती परीक्षा की तैयारियों में कहीं भी पीछे नहीं रहे। इससे सरकारी क्षेत्रों में भी हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। समाज के व्यापारी वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं की जरूरत पर बोलते हुए कहा कि शॉर्ट सर्किट से गोदाम में नुकसान हो तो बिजली विभाग मुआवजा दे। हम सरकार को टैक्स देते हैं, हम टैक्स कलेक्टर हैं, ना कि टैक्स देने वाले। हमें सरकार की ओर से सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन जब हम चुनाव के लिए टिकट मांगते हैं या प्रतिनिधित्व की आवाज़ को उठाते हैं तो समाज के व्यापारी वर्ग को इनकम टैक्स ईडी की रेट का सामना करना पड़ता है। इस दौरान व्यापारी बोर्ड की भी मांग उठी। प्रदेश अध्यक्ष और डूंगरपुर के पूर्व सभापति के गुप्ता ने कहा कि समाज हर वर्ग के क्षेत्र में भूमिका निभाता रहा है, लेकिन राजनीतिक मंचों पर समाज के प्रतिनिधित्व के लिए हमें आवाज़ उठानी होगी। देश के उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने कहा कि सदन का संसद हर जगह गिने चुने सदस्य ही रह गए हैं, इस दिशा में सोचना चाहिए। इसके लिए समाज के सदस्यों को अपनी सक्रियता निभानी होगी। ज़रूरत से ज़्यादा और ज़्यादा समाज जनों को संगठन से जोड़कर सदस्यता बढ़ाई जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जिस दिन अग्रवाल समाज में 90,000 सदस्य भी प्रदेश में एकजुट हों, उस दिन अग्रवाल समाज से बिना पूछे टिकट तय नहीं होगा। सम्मेलन की प्रदेश कार्य समिति बैठक में क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ न देने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। गर्ग ने कहा कि गुप्त राज में भारत सोने की चिड़िया और सूर्यवंशी राज में विश्व गुरु कहलाया। अग्रवाल समाज को देश हित में आज फिर एक होने की जरूरत है। हम अग्रसेन के वंशज हैं, दिन में ही करने चाहिए मांगलिक कार्य सम्मेलन। राजनीतिक मंचों पर भागीदारी बढ़ाने के अलावा सामाजिक नीतियों पर भी मंथन किया गया। इस दौरान समाज जनों से अपील की गई कि हम विवाह या मांगलिक कोई भी कार्य हो रात के बजाय दिन में संपन्न करें। पदाधिकारियों ने कहा कि हम महाराज अग्रसेन के वंशज हैं, इसलिए हमें कोई भी शुभ कार्य दिन में ही करने चाहिए। इस दौरान समाजजनों ने भगवान सूर्य नारायण की साक्षी में दिन में ही विवाह कार्य करने की शपथ ली। इस दौरान प्रवासी अग्रवाल समाज अध्यक्ष मदन लाल अग्रवाल, वैष्णव समाज अध्यक्ष संजय अग्रवाल, जिला प्रवक्ता राजेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।